एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया सेना। सो गाइस, आज क्लास टू में हम बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल जो है वो लीव्स सीखने वाले। तो सबसे पहले बेसिक लीव्स पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं हम, ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने इसे किस तरीके से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं एक लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। लीव्स का शेप हमें इस तरीके से बीच में से जो है थोड़ा सा मोटा और ऊपर की तरफ से पॉइंटेड लेना है। यहाँ पर मैं लेयर बाय लेयर वाली टेक्निक के साथ लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन एक और भी टेक्निक है जिसके साथ हम लीव्स को क्रिएट कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लेयर बाय लेयर वाली टेक्निक से ही लीव्स को क्रिएट करें, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरी जो है वो स्टाइल दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से लीव्स का शेप लेके बना सकते हैं लीव्स को, और फिर उसमें आप जैसे हमने क्रिएट किया फर्स्ट टेक्निक में कि लेयर बाय लेयर हमें इसे कंप्लीट करना है, तो उसी तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक के साथ अगर आप बनाना सीखोगे, ट्राई करोगे, तो आपको डायरेक्टली लीव्स बनाने आ जाएंगे जैसे मैंने फर्स्ट टेक्निक में बनाए थे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि ये हमने किस तरीके से क्रिएट किए। तो सबसे पहले तो आपको ये लीव्स को क्रिएट करने, बेसिक क्लासेस में मैंने बहुत सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इजी लीव्स सिखाई थी, लेकिन ये एडवांस क्लासेस है तो सारे एलिमेंट्स भी हमारे एडवांस होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत अट्रैक्टिव लीव्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो यहाँ पर वापस से लेयर बाय लेयर वाली टेक्निक के साथ मैं थोड़ी सी बड़ी हमारी लीव्स क्रिएट कर रही हूँ, जिसे हम ज्यूसी लीव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ज्यूसी लीव्स को क्रिएट करेंगे। ये जो एक पॉइंटेड एरिया दिख रहा है जहाँ हम स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा गैप रखती हूँ, उसके बाद में मोटे वाले लीव्स को क्रिएट करती हूँ, तो ये आपको रखना है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बिगनर्स क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से लाइंस को क्रिएट करना है, सेम एज इट इज़। ऊपर मैंने बताया सेकेंड वाली आपको टेक्निक में, तो आप उस तरीके से भी इसे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि इस तरीके से बनाने पे और लेयर बाय लेयर वाली टेक्निक से बनाने से बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता है। तो मैं तो आपको लेयर वाली ही टेक्निक को सजेस्ट करूँगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें इस तरह ऊपर की तरफ हमारे लीव्स को क्रिएट करना है, इस तरह हमारे स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ जाए उस तरीके से क्रिएट करना है। लोग यहाँ पे इस तरीके से ब्रॉड वे में क्रिएट करते हैं। अब ब्रॉड वे में क्रिएट करने पर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है हमारी लीव्स। मैं आपको यहाँ पे जो बनाकर बता रही हूँ, ब्रॉड वे में क्रिएट करने पर इस तरीके से दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा बिगनर जो है वो यहीं पर गलती करते हैं और बहुत ही बुरी लीव्स होती है, फिर कंप्लेंट होती है कि हमारी तरह उनकी लीव्स नहीं बन पाती। तो एक ये मेजर जो है वो गलती करते हैं यहाँ पर कि वो इस तरीके से ब्रॉड वी वे में वो करते हैं इस तरीके से क्रिएट। तो हमें इस तरीके से क्रिएट नहीं करनी है, हमें इसे ऊपर बताई गई टेक्निक की तरीके से ही ऊपर की तरफ से हमें क्रिएट करने होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको इन सारी जो टेक्निक की प्रैक्टिस है, आपको जहाँ तक कंप्लीट ना हो जाए वहाँ तक करनी है। अब हम यहाँ पर थोड़े से वेवी लीव सीखेंगे। वेवी लीव्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अब जो हम आगे लीव्स सीखने वाले हैं वो बहुत ब्यूटीफुल, एट्रैक्टिव, ट्रेंडिंग एंड बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो इसलिए पहले इस थोड़े से हमारे बेसिक से लीव्स के आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको बनाने आ चुके हैं मेरी बेसिक क्लासेस टू की वीडियोज़ से, तो इट्स ओके, आप वापस से एक बार प्रैक्टिस करके फिर ये लीव्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो लीव्स क्रिएट करने वाले हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ब्यूटीफुल बनेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इस तरीके से हमारे एक लीव्स की हमारी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर डॉट वाले लाइन्स को क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझा सकूँ, अच्छे से गाइडेंस दे सकूँ, इस वजह से मैं इसे क्रिएट करके बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर भी लेयर वाली ही जो टेक्निक है उसे प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये आप लोगों को अच्छे से समझ आए इस वजह से यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है। वापस से हमें इस तरीके से क्रिएट कर देने के बाद इसे फिल कर देना है लेयर वाली टेक्निक के साथ ही। आप देख सकते हो कि ये कितनी एलिगेंट और अट्रैक्टिव लग रही है। आप चाहो तो इसका भी जो हमारा डांसिंग लीव्स के बंच की तरीके से बंच को क्रिएट कर सकते हो। अब ये वाली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्ट्रोक्स वाले लीव्स है, ये बहुत ही न्यू और ट्रेंडिंग है। मैं इसकी आपको यूज़ कहाँ पे करना है आपको इसे मैं ज़रूर से शेयर करूँगी जब हम बंचेस सीखेंगे।
तो जो मैंने फर्स्ट मेहंदी क्लासेस के एडवांस क्लासेस के वीडियोस में शेयर किया था स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवाई थी, तो वो यही इसी चीज़ों की वजह से करवाई थी कि हम आगे जो डिज़ाइन सीखने वाले हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देख सकते हो कि हम यहाँ उसी टेक्निक के साथ स्ट्रोक्स क्रिएट करते हुए ये लीव्स को क्रिएट कर रहे हैं, और ये लीव्स कितने अट्रैक्टिव और ट्रेंडिंग है और ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। बनाने में कितने सिंपल है, फर्स्ट मैंने डायरेक्टली क्रिएट किया और सेकंड वाला है थोड़ा सा मैंने इस तरीके से जो है वो शेप लेके क्रिएट किया है। तो अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो आप भी इस तरीके से जो है वो शेप को बनाकर यहाँ पे बना सकते हैं। यू कैन सी कि कितना अट्रैक्टिव और एलिगेंट है और बहुत ही न्यू एंड ट्रेंडिंग है, तो इसकी आप ज़रूर से सेपरेटली प्रैक्टिस करेगा। अब इसी जो एजेस है अगर आपको खाली रखनी है तो खाली रख सकते हो, और इस तरीके से डॉट्स को क्रिएट करने हो तो आप इसमें इस तरीके से डॉट्स भी लगा सकते हो। डॉट्स लगाने से थोड़ा और इनहेंस हो जाता है हमारा एलिमेंट, तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको स्किप करना है तो आप कर सकते हो, एक डॉट्स वाले बना सकते हो, डॉट्स बिना के बना सकते हो, इस तरीके से दो वे में आप इसे क्रिएट कर सकते हो। वापस से एक न्यू लीव्स हम सीखेंगे, तो जिसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लीव्स के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर रही हूँ। अब ये एक छोटे से जो फ्लावर है ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, इसकी पहले सेपरेटली प्रैक्टिस करनी है आपको, उसके बाद क्रिएट करिएगा। देखिए मैं थ्री डॉट के साथ भी इसकी छोटी सी कलीज को क्रिएट कर रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं मुझे तो फ्लावर, और लीव्स के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। एज यू कैन सी गाइस कि मैंने यहाँ पर डॉट वाली लाइन्स को क्रिएट किया है, वेवी लीव्स का लीव्स भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पे जो फ्लावर जो है वो हमारी जो लीव्स की जो ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इसे ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। इनमें से कौन सी लीव्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से शेयर करिएगा। हम जब बंचेस को क्रिएट करेंगे तब ये सारे लीव्स की जो है हम उसमें एड ऑन करेंगे, तो बहुत अट्रैक्टिव हमारी डिज़ाइन बनेगी। क्लियरली आपको बेसिक डिज़ाइंस और एडवांस डिज़ाइन में जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। मैंने आप लोगों के लिए ही ये क्लासेस के वीडियो स्टार्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है मुझे ऑनलाइन क्लासेस की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है स्टार्ट करना, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किए मेरे एडवांस क्लासेस के वीडियोज़। अब हम यहाँ पे जो हमने दो लीव्स सीखे हैं उसे हम मिला के एक लीव्स का बंच है छोटा सा क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से हमारे वेवी लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ, हम टू डिफरेंट एंगल में हमारे वेवी लीव्स को क्रिएट करेंगे। वेवी लीव्स की टेक्निक सेम है, अगर आपसे नहीं बन रहे तो इट्स ओके, आप इसे स्ट्रक्चर के साथ क्रिएट करके भी बना सकते हो। बहुत से आर्टिस्ट उसे स्ट्रक्चर में क्रिएट करके ही बनाते हैं, सो इट्स ओके। तो यहाँ पे अब हम शेडिंग वाले हमारे लीव्स को क्रिएट कर रहे हैं जो हमने जस्ट सीखे हैं। ये दो लीव्स को हम मैनेज करके इस तरीके से ब्यूटीफुल एक है वो क्रिएटिव हमारा लीव्स का बंच क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से आप दूसरे वाले लीव्स को भी इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके कॉम्बिनेशन करके अपने खुद की डिज़ाइंस में भी आप क्रिएट कर सकते हो। एज़ यू कैन सी कि कितने ईजी है बनाने में, बस आपको टेक्निक की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्लासेस वन की वीडियो ज़रूर से देखनी है, और क्लासेस वन की वीडियो में स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, एडवांस क्लासेस वन की वीडियोज़ की। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने जो है वो सर्कल्स को क्रिएट किए हैं, डॉट्स क्रिएट नहीं किए, तो ये एक और क्रिएटिव चीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट की है। अब मैं ऊपर की तरफ वापस से डॉट्स को क्रिएट कर रही हूँ। इसी तरीके से आप जो है डिफरेंस अपने डिज़ाइन में ला सकते हैं, और डिफरेंस के साथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अपनी ओन क्रिएटिविटी के साथ। तो आपको इस तरीके से ज़रूर से प्रैक्टिस करनी है, मुझे तो ये बंच बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। अब हमारा बंच जो है वो रेडी हो चुका है यहाँ कम्प्लीटली। अब हम वापस से एक न्यू बंच क्रिएट करने वाले हैं। वापस से गौर से देखिएगा कि हम इसे किस वेरिएशन में क्रिएट करेंगे, बहुत ही ईजीएस्ट वे में क्रिएट करने वाले हैं। सिंपली तीन ही हम लीव्स का बंच क्रिएट करेंगे। इस तरीके से मैंने एक शेप को क्रिएट किया है, देन ऊपर की तरफ डिफरेंट शेप को क्रिएट किया है, और सेम इसी वे में हम तीन बंच को क्रिएट कर सकते हैं। ये बोल्ड लीव्स है,
आप इसे बोर्ड लीव्स की जगह पे क्रिएट कर सकते हो, बहुत क्रिएटिव और अट्रैक्टिव लगेंगे, कम्प्लीटली न्यू है और इसे इस तरीके से हम फिल कर देंगे। सो गाइज, क्लासेस टू में हमने इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएटिव लीव्स सीखे हैं। क्लासेस थ्री में हम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्रिएटिव जो है वो वापस से हम लीव्स सीखने वाले हैं। लीव्स वाला सेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि लीव्स आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो क्लासेस टू को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, उसी के बाद आपको क्लासेस थ्री की वीडियो पर जाना है। बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बंचेस में क्रिएट करने वाली हूँ। क्लासेस थ्री की वीडियोस को भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और क्लासेस वन को भी आई एम श्योर आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो सारे जो क्लासेस के वीडियोस है उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। आई एम श्योर क्लासेस के एंड तक आप बहुत ही क्रिएटिव मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।